खंडवा जिले के मानधाता विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर ग्राम पंचायत पीपल कोटा में बजट बाबा आश्रम पर सर्व समाज प्रमुखों की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न समाजों ने आम जनों ने मंच में अपनी आवाज उठाई, जिसमें दोनों ही दलों ने घोषित प्रत्याशियों को सबक सिखाने का निर्णय मंच से पारित किया गया, जहाँ सर्वसम्मति से राजा मानधाता के वंश कुंवर जितेंद्र पिता शैलेंद्र सिंह जी ओंकारेश्वर को चुनावी जंग में निर्दलीय उतारने का तय किया गया है। बैठक में जहां आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, वहीं दलित समाज, बंजारा समाज, यादव समाज सहित पिछड़ा वर्ग के सभी चेहरे भी दिखाई पड़े। जितेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ओंकारेश्वर हमारा बसाया हुआ है, प्रशासन और नेताओं द्वारा विकास के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर का तो हूँ हम, राज परिवार से हूँ, ओंकारेश्वर हमारे द्वारा बसाया गया। आज ओंकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग, वहाँ प्रशासन हो, अधिकारी हो, नेता हो, ये अतिक्रमण के नाम से इनने एक भैंसा पैदा कर रहा है। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि अतिक्रमण के नाम से दुकानें तोड़ी जा रही है, विकास के नाम से दुकानें तोड़ी। अरे दुकानें तोड़ो, मैं खुद चाहता हूँ ओंकारेश्वर का विकास। हाल ही में अभी उजाड़ के विकास हो, ऐसा विकास हमने चाहा। ओंकारेश्वर में पवित्र नगरी के नाम से 12,000 करोड़ रुपया है। कितना 12,000? हर नेता अपनी अटैची भर के, अपनी तिजोरिया भर रहा है। जब अतिक्रमण आता है, ओंकारेश्वर में अधिकारी रहते, सब ये नेता लोग सब सुझाव करते। मैं खुला इस माध्यम से, नंदू भैया अपना स्विच ऑफ कर लेते, लोकेन्द्र दादा अपना स्विच ऑफ कर लेते, अब राजनाथ तो एक जादू है। अगर यदि वो इस क्षेत्र में बैठ गया तो कंपनी को भी खत्म कर देगा। इनका उद्देश्य जन सेवा नहीं, मन सेवा, तन सेवा, अपने तिजोरियां भरना, ये इनके। राजनारायण 15 साल रहा है, डूब क्षेत्र का क्या करा है? आज मेरे को डूब क्षेत्र में जाइए, मेरे साथ चल के बता दे, पामाखेड़ी में पूरा एक चप्पा चप्पा देख के आया हूँ। आज मेरी आत्मा दुखती है। कई गांव ऐसे जहाँ आज तक 70 सालों में लाइट नहीं, क्या है? ये जनता की आवाज है जितेंद्र, और मैं इनकी आवाज बन के उभरूंगा और इनको इनके न्याय के प्रति मैं लड़ूंगा। ओंकारेश्वर वालों को मैं बिल्कुल निश्चिंत करूंगा, अगर मैं जीतता हूं तो ओंकारेश्वर पूरा रात भर सोएगा जितेंद्र सिंह जी के अतिक्रमण के नाम से। इन्हें पूरा ओंकारेश्वर तहस नहस कर, ये क्या है? खाली गरीबी है, आदिवासी को उजाड़ जनता को। मैं सभी के लिए काम करूँ, कुछ बड़े बोले नेता है जो राज करेगा, राजपूत, राजपूत से मेरे संबंध है, राजपूत से मेरे रिश्तेदारी है, पर कुछ बड़े बोले नेताओं को जवाब देने हैं। जो एक पाव कच्ची एक पाव मच्छी, राज करेगा तो राजपूत, अब राज करेगा तो आदिवासी। हम यहाँ 1,10,000 वोटर, 1,10,000 होने के बाद भी हमारा कोई सम्मान नहीं, हमारे समाज का कोई सम्मान नहीं, ये कहाँ तक चले? इसलिए मैं राजनीति करने आया, राजनीति नहीं, मैं समाज सेवा करने आया, और राजनारायण उसको जवाब देने आया। नारायण पटेल क्या है, कैसे बिके, क्या करे, मैंने नहीं देना। जनता बोल रही बिक गया, ये जितेंद्र सिंह बिकने नहीं है, ये लोगों की सेवा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।